झारखंड के हजारीबाग जिले में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और जबरन निकाह करवाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य को नामजद किया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने 6 महीने पहले ही उनकी बेटी के अपहरण की धमकी दी थी। नाबालिग की मां ने घटना की शिकायत केरेडारी थाने में की। शिकायत में पीड़िता ने अपहरण का मकसद नाजायज धर्मांतरण और जबरन निकाह की साजिश बताया है। पीड़िता के मुताबिक अपहरण के आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। अरवाज में धमकी उमकी देकर यहाँ से गया, तो फिर मैं आया, फिर 2 तारीख के फिर आया से हमको साथे बहुत बहक सहत किया और बोला कि नहीं तू अपनी बेटी को निकालो से हम लोग अपनी सही रंसारी से निकाह करेंगे। तो हम कहें कि हम कैसे निकाह करने देंगे, हमारी बेटी है और हम कैसे अथी करने देंगे, नहीं हम उससे प्यार करते हैं, उसे अथी करते हैं तो हम निकाह करेंगे, इसे हमको दे दीजिए आप बेटी को। हम कि नहीं देंगे और उतना करके वो गया घर, बोलता है क्या सो हम शाहिद अंसारी का मुख्तार मियाँ का बेटा नहीं लगते हैं, इसे उसका चाचा के बेटा हम हैं, से हमको दे दीजिए। तो हम बोले कि हम नहीं देंगे। से उसके बाद में हमको बहुत गाली गुल्ला करने लगा। 4 लड़के के साथ में आया, तो आया था घर में ढूका ढूके 4 तारीख को एगो उसको तरफ से हाथ में चाकू थोड़ा छोटा ले ले था और धमकी उमकी दिलाया और ढूक गया। बोलते गया कि कहाँ गई हम क्यों वाइफ से निकलो, तुम जितना बक्सा है बक्सा में तुमको सर समान आधार कार्ड है, वोटर अथी है, पासबुक है, पैसा है, जेवर जट्टी जो है सो आप लीजिए और लेके जितना जल्दी निकलो। तो लपट झपट हमारी बेटी को लगाया। तो हम कहे कि हमारे साथ में कौन लगाने वाला है, हमको बेटी है तुम लगा रहा है, तो हाँ हम होने वाली वो हमको पत्नी है से हम लगाएंगे ना। और मुँह बांध कर 2 मोटरसाइकिल से उसको जबरदस्ती में करके और बैठा कर ही लेके चल गए। कौन था जानकारी मिला आपको? हाँ अरवाद में अरवाज अंसारी और शाहिद अंसारी दोनों मिलकर वो लड़की के हाथ उठाकर जबरदस्ती में 2 लड़का एक लड़का आगे और एक लड़का पीछे करके ही बैठा के जबरदस्ती में करके उसको। इस घटना के बाद परिजन के साथ मिलकर हिंदू संगठन के लोग शासन प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके खिलाफ शिकायत की गई है वो लोग रोज सामने घूमते रहते हैं मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। से अनशन पर हूं। कल शाम बाय फोर्सली प्रशासन अपने बल पर, फोर्स के बल पर, कुछ अपने दलालों के बल पर जबरदस्ती अनशन तोड़ने का किया गया जो निंदनीय है। मैंने यहाँ तक कहा कि भाई पहले तो वार्ता हो जाए, जो मांगे हैं तो आपकी मांगे हो गई, हम क्या हो गई, अरे हो गई, हम तो कह रहे कि FIR दर्ज नहीं हुआ, मामला कैसे निपट गया? अगर निपट गया तो भाई आप बोलिए नकल निकालने की प्रथा है, आप थाना दीजिए या कोर्ट से, या हम भेज कि हाँ हो गया है। हम लोग 4 दिन से अनशन के यहाँ 10 तारीख से बैठे हुए लगातार और मांग बस यही है कि हमारे सनातन परिवार की बेटी को जो लव जिहाद की नियत रखने वाले उठा के ले गए हैं, हमारे बेटी को हमारे घर पे वापसी करवा दें और जो इसमें आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और आरोपी जो है यहाँ पे आते हैं घूमते हैं, इसी गांव के हैं, आते हैं घूम के आज सामने घूमते हैं, हंसते हैं और जाते हैं, लेकिन प्रशासन उनको पकड़ के अंदर नहीं कर रही, पता नहीं कहाँ का प्रेशर है और क्या मामला है। मामले में हजारीबाग से भाजपा के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर तंज कसा। मनीष जायसवाल तंज कसते हुए कहते हैं कि वर्तमान सरकार में ये आम बात हो गई है, एक समुदाय विशेष के लोग किसी का भी अपहरण कर कुछ भी कर रहे हैं। इस सरकार में कि वर्तमान सरकार चल रही है इसमें ये आम बात है, आम इस सेंस में कि हर जगह पर ये हो रहा है, एक समुदाय विशेष के लोग जो है वो दबाव बना करके लोगों का जो है लोगों का एक तरीके से देखिए तो अपहरण ही कर रहे हैं। यहाँ भी यही मामला है, पुलिस ने केस रिकॉर्ड किया है लेकिन अभी लोग पकड़ से बाहर हैं। हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी पकड़ाए और इसको सजा हो ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि वे जबरदस्ती नहीं करें। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़की को बंगलौर से बरामद किया गया लेकिन लड़की के न्यायालय के सामने बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले में कुछ नहीं बोल सकेगी। लेकिन ये मामला काफी संगीन है, इस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है और लड़की से पूछताछ की भी जरूरत है, साथ ही इसके पीछे जो भी है उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई करने से पहले 100 बार सोचे।